वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होम्यो क्लिनिक में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज मैं आपको ब्रायनिया डुआ की कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, जैसा कि सब जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की जड़ है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करना बेहद ज़रूरी है। ब्रायनिया का मरीज जहनी तौर पर नहायत चिड़चिड़ा, बात बात पर बिगड़ जाने वाला, कारोबारी मामलात के बारे में बहुत फिक्रमंद होता है, मैदे का निज़ाम बिगड़ा हुआ, खाने खाने के बाद मैदे में दबाव जैसे वहां कोई पत्थर पड़ा है, छुआ जाना बर्दाश्त ना हो, कॉन्स्टिपेशन हो, स्टूल सख्त खुश्क हो जैसे जला हुआ है, स्टूल भूरा और खून आमेज हो, जिसकी ज्यादती सुबह के वक्त और हरकत से हो, हर मर्तबा गर्म मौसम के आने पर गर्म होने से, गर्म चीज़ें खाने से, गर्म मशरूबात पीने से हो, प्यास की शिद्दत हो, होंठ और मुंह नहायत खुश्क हों। इसके मरीज को चाहिए कि वो ऐसी अशिया खाने में इस्तेमाल करे जिससे खुश्की ख़त्म हो, ठंडे दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करे, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हो सके तो खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी पी ले और 1 घंटे के बाद खाना खाए। कॉन्स्टिपेशन के मरीज को चाहिए कि वो इस दवा को 30 ताकत में इस्तेमाल करे। उसके लिए 1 प्याली पानी में 2 कतरे दवा के दिन में 3 से 4 मरतबा ले और तकरीबन 5-6 दिन तक लाजमी ले। अगर कब्ज नहीं दूर हुई तो 2-3 दिन तक दवा का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और वो इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। शुक्रिया।